नमस्कार, तमाम न्यूज़ चैनलों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनलों पर, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल हैं, उन पर पाबंदी की मांग की जा रही है, उन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि हाल में धर्म विशेष के खिलाफ इन न्यूज़ चैनलों पर बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई गई, बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो कि उनके सामाजिक भावना को ठेस पहुँचा रही थी। इसलिए एक याचिका दाखिल की गई थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान आज सरकार भी पेश हुई। सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई? सरकार ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप अंकुश लगाते हैं तो ज़रूरी है कि उससे पहले आप सोशल मीडिया पर आप अंकुश लगाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि यूट्यूब, इन तमाम चीज़ों पर पहले अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो कोई गाइडलाइंस बना दें या फिर एमिकस क्यूरी का गठन कर दें ताकि वो कोई नई गाइडलाइंस तैयार कर सके, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई समिति बना दे जो समिति ये तय करे कि पहले हम सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करेंगे। दरअसल यहाँ रेगुलेट करने की बात आ रही है कि कैसे सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ ऐसी आती हैं जिनका कोई सरोकार नहीं होता। फेक न्यूज़ की वजह से आपने देखा कई जगहों पर हिंसा की खबरें आईं, दंगे हो जाते हैं, कई लोग उन खबरों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो कुछ कर बैठते हैं और जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल हैं उनकी छवि को धक्का लग रहा है। इसकी वजह से आज सरकार ने ये कोर्ट के भीतर कहा है कि आप या तो एमिकस क्यूरी बना दें या फिर आप कोई समिति बना के इसके रेगुलेशन के लिए कोई गाइडलाइन तय करें। बड़ी बात आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल अभी आपको भी पता होगा कि हाल ही में एक खास समुदाय, लॉकडाउन के दौरान एक खास समुदाय के लोगों ने एक मस्जिद में रुककर, एक मरकज में रुककर वहाँ पर नमाज अदा की थी। और ये खास तौर पर तब की गई थी जब लॉकडाउन चल रहा था, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही थी, पाबंदी लगा दी गई थी और उस दौरान लोगों की भीड़ जुट रही थी। यहाँ तक कि सरकार से, पुलिस से, कानून से छिप कर ये सब कुछ खेल चल रहा था, धार्मिक आयोजन हो रहे थे और कुछ चैनलों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, कुछ चैनलों ने इसे इस पर बहुत सारी खबरें की। इसी वजह से धर्म विशेष के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और तब मांग की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब ज़रूरी है कि अंकुश लगा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी उसमें सिर्फ एक चैनल का नाम था। कुछ पाबंदियों की वजह से हम उस चैनल का के नाम का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि उस एक चैनल की वजह से सभी चैनलों पर खतरा हो गया था। लेकिन अब चूंकि इस मामले में सरकार पार्टी बन गई है और सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा है कि ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर अंकुश लगाएं, ताकि सरकार क्योंकि मजबूर है, सरकार सोशल मीडिया पर सीधे कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अगुवाई में या अपनी निगरानी में कोई रेगुलेशन तैयार करे, कोई ऐसी रेगुलेटरी बोर्ड बना दे जिसकी वजह से कोई गाइडलाइन बन जाए जल्दी और सरकार के लिए आसान हो कि वो कैसे सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकती है। इस वजह से फिलहाल न्यूज़ चैनलों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि सरकार की इस कोशिश की वजह से या सरकार के इस मांग की वजह से या पार्टी बनने की वजह से उन पर किसी तरह का अंकुश लगने नहीं जा रहा है।